दोस्तों आज हम दो फोन्स का कंपैरिजन करेंगे, सैमसंग गैलेक्सी A34 5G और सैमसंग गैलेक्सी A54 5G, जिसमें से A34 5G का प्राइस 28 से 31 हजार रुपए के आसपास रह सकता है और A54 का प्राइस 39 से 41 हजार रुपए के आसपास रह सकता है, यानी कि 10 हजार रुपए के आसपास का डिफरेंस है दोनों ही फोन्स में। लेकिन चिपसेट परफॉर्मेंस में काफी जबरदस्त टक्कर है दोनों फोन्स के बीच। A34 5G आपको देता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080, A54 5G आपको देता है Exynos 1380। और जब हम nanoreview.net पे इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन देखते हैं तो A54 5G को मिलते हैं 55 मार्क्स और A34 5G को मिलते हैं 51 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट सेम है दोनों फोन के CPU परफॉर्मेंस। यहाँ तक कि गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों फोन्स को मिलते हैं 42 मार्क्स, यानी कि दोनों फोन्स के चिपसेट परफॉर्मेंस में काफी कम फर्क है। और जब हम कैमरे की बात करते हैं तो A34 5G आपको देता है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के तीन कैमरास, और A54 5G आपको देता है 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के तीन कैमरा, यानी कि रियर कैमरा में 48 और 50 और वाइड एंगल कैमरे में 12 और 8, यानी कि यहाँ पर ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरे दे रहा है A54 5G। और दोनों ही फोन्स ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ आते हैं। दोनों ही फोन्स के रियर कैमरास में आपको 4K वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड पे मिल जाएगा, लेकिन A54 5G आपको 60 फ्रेम पर सेकंड तक का फुल HD ऑप्शन देता है, लेकिन A34 5G आपको 30 फ्रेम पर सेकंड तक कई ऑप्शन देता है। इसके अलावा A34 5G आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है, A54 5G आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है, यानी कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में एडवांटेज मिलता है आपको A54 5G में। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो A54 5G आपको देता है 6.4 इंच का डिस्प्ले और A34 5G आपको देता है 6.6 इंच का स्क्रीन, यानी कि A34 5G में आपको 0.2 इंच बड़ा स्क्रीन मिल जाता है। इसके अलावा दोनों फोन्स में आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और दोनों फोन सेम रेजोल्यूशन का स्क्रीन देते हैं, लेकिन पहले जो फोन आता था A33 उसमें आपको 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता था। इसके अलावा A54 5G ग्लास बैक पैनल के साथ आता है और A34 5G हार्ड प्लास्टिक बैक पैनल के साथ आता है, यानी कि बैक साइड से A54 5G दिखने में ज्यादा बेटर लग सकता है। इसके अलावा A34 5G में आपको टियर ड्रॉप डिस्प्ले मिलता है और A54 5G में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, यानी कि ओवरऑल लुक्स में A54 5G ज्यादा बेटर दिख सकता है। और वैसे लुक्स डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। दोनों ही फोन्स में आपको सेम 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है और दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। और दोस्तों ओवरऑल मुझे प्राइस के हिसाब से, परफॉर्मेंस और स्क्रीन साइज के हिसाब से A34 5G बेटर लगा और वैसे कैमराज में और लुक्स में A54 5G ज्यादा बेटर दिख सकता है। दोस्तों आपका क्या मानना है, मैंने कोई फीचर मिस किया तो जरूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।